हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम है वजह। तो यार अपने रावण ने तो भाई सीधा सीधा बात वरदान लिया नहीं, उसने इनकार कर दिया मैं शिवलिंग नहीं साथ लेके जाऊंगा, मुझे आप ही चाहिए। हाँ, साक्षात इसी रूप में। हाँ, और दूसरी तरफ भाई जब नंदी जी, उन्होंने नंदी जी को भी झाड़ दिया। बाकी हाँ, देखते हैं वही ना आगे होता है क्या। तो स्टार्ट रावण स्वयं महादेव द्वारा दिया गया शिवलिंग। बताओ रावण, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है? बताओ। किंतु तुमने शिवलिंग को अस्वीकार करके अपनी मूढ़ता का प्रमाण दिया है। तुम जैसे विद्वान से मुझे ये कदापि अपेक्षा नहीं थी रावण। तेरी इस अनुकंपा में निहित कटाक्ष को मैं भली भांति समझ रहा हूँ वानर, परंतु मत भूल मैं महादेव का कोई साधारण भक्त नहीं हूँ। महानतम भक्त हूँ उनका। परंतु जब स्वयं प्रभु ने ही मेरी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया, तो उनके इस महान भक्त का जीवन निरर्थक सिद्ध हो जाता है। क्या मतलब? और इस निरर्थक जीवन का अंत करना अनिवार्य हो जाता है। ये क्या चक्कर है? वादा खुद को मारना, खुद को मारेगा अभी या इमोशनल ब्लैक मिलेंगे? ये क्या चक्कर है बे? नहीं रहो, नहीं रुक जा नंदी। तुझे महादेव की भक्ति की सौगंध। ये याद है जब अपने तपस्या कर रहे थे तो 10 साल में काटे तो तुझको भी मारने लगा। मुझे अपने प्राण लेने से नहीं रोकेगा तू? हे महादेव, आप ही के द्वारा भेंट की हुई इस इतिहास के प्रयोग का समय आ गया है। हमने आपको माना धर्म खुद को मार रहे हैं। तेरा ठीक है नहीं रावण, ये अनर्थ ना करो, ये अनर्थ ना करो रावण। ये नहीं मार सकता। ओहो, भगवान शिव जी आ गए। महादेव देव 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 महादेव महादेव महादेव। और देखा जब दोबारा से कोशिश की नहीं ले जा सकता। क्या चाहते प्रभु? ये रख सकूंगा? आपके बिना मेरा ये जीवन महत्वहीन है। उद्देश्य यहीन है प्रभु, मेरे साथ लंका चले। अब क्या होगा? मैं आपकी सेवा करते हुए आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का अवसर चाहता हूँ प्रभु। बात हो सकती है? आपके बिना
मेरा ये जीवन व्यर्थ है प्रभु। कुछ दिन तलाश में भी रहकर भगवान कृपया कह दे प्रभु, कृपया कह दे तथास्तु। सामने जाने की जरूरत है, मैं तो कहते हूँ बात कर रही हूँ और इनकी हिम्मत करें बस। लेकिन उस वक्त हार्ट थी ना इसकी तथास्तु। रावण ने मनवा लिया ना तथास्तु, यानी के भगवान से जाने के लिए आप ले भैया अब क्या होगा। रावण ने अपनी बच्ची को कैसे पॉसिबल है भगवान के लिए धन्य है आप प्रभु, धन्य है। अंततः मेरा अपनी भक्ति में विश्वास व्यर्थ नहीं गया। लला को मिलेगी तो वही है, वही ना मिला है। मैं जानता था प्रभु अपने इस भक्त से अधिक समय तक पृथक नहीं रह पाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा? क्या भक्ति आपको क्या था प्रभु? इस पूरे ब्रह्मांड में मैं तो आपका सबसे महान भक्त हूँ। आपकी मुझसे अधिक सेवा करने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है। तुम महादेव को अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? मैंने कहा मैं बोलने वाला था कि माता जी क्या करें। उनका दायित्व इस संसार के प्रति है, अपने अन्य भक्तों के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है। कैसी भक्ति है तुम्हारी? अबे पूरा संसार भी है ना जो अपने आराध्य को उनके कर्तव्य से विमुख कर दे। क्षमा करें माता, फैमिली भी तो है। परंतु मेरे आराध्य देवों के देव हैं। उन्हें कर्तव्यों में क्यों बांधा जाए? उनका किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं है। इनकी तो केवल पूजा की जानी चाहिए, तो पूजा उसकी सेवा की जानी चाहिए। सेवा भी और यह कार्य उनके इस महानतम भक्त से अधिक सामर्थ्य के साथ कोई नहीं कर सकता। और इस तथ्य से स्वयं मेरे प्रभु भी अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? तभी तो उन्होंने मेरे साथ चलना स्वीकार किया है। चलिए प्रभु, आप ही के लिए निर्मित वह स्वर्ण भवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए। रावण क्या आप क्या मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है किंतु तुम्हारे लिए उस वरदान को भली भांति समझना उचित होगा। उस वरदान को समझना भी क्या तुम समझे हो कि नहीं? प्रभु आप मेरे साथ चल तो रहे हैं ना? अवश्य रहा। अरे चल रहे हैं। ओ भाई साहब, इसने तो अपनी जान लेने की पूरी कोशिश की, मतलब यार वहीं से भगवान शिव जी आए और चमक क्या हुआ ना, ना, चला भी नहीं सके ना, ना भगवान शिव जी ना आते तो इसने अपनी गर्दन उड़ा दी। अबे इसने दोबारा भी कोशिश की लेकिन वो वहां से ला ही नहीं सका। भगवान शिव जी के हुक्म के बगैर तो एक तिनका नहीं हिल सकता, तो ये हथियार और रावण का दोबारा भी कोशिश की लेकिन ये देखिए इमोशनल ब्लैक में लेंगे। फिर भगवान शिव जी जारी बात है, इस तरह किसी के ऊपर दुख थोड़ी देख सकते हैं या जुल्म थोड़ी करते हैं। उन्होंने फिर कर दिया। अच्छा रावण कहता है तुम मेरा जो वरदान दिया वो समझ सकते हो ना, समझना ठीक है, लेकिन उसने कहा ना कि आप चल रहे हो ना मेरे साथ। उन्होंने कहा अवश्य, लेकिन यार खुराम कहानी इस तरह की है। माता जी भी बोल उठी है कि भाई इनकी फैमिली भी है,
इनका यहाँ दुनिया को देखना भी है इन्होंने, समझ संसार पूरी चीज़। चलो यार देख दुनिया को तो वो उधर से भी देख लेंगे, सब कुछ देख वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन मेन बात फैमिली की भी है यार, बाप बीवी बच्चे सब कुछ है। यार तुझे याद नहीं भगवान विष्णु जी की के लीला आरम्भ हो चुकी है, इसमें भी कोई ना कोई लीला होगी, अब वो हमें तो नहीं पता आप कहाँ लीला खेली जा रही कहाँ नहीं खेली जा रही। अब ये जो नीति में होगा ये तो वही होगा जो नीति में होगा। तुझे पता है भगवान शिव जी क्या पक्के जा सकते हैं इसके साथ? ऐसा हो सकता है वो कैलाश छोड़ के जा सकते, वो कुछ ना कुछ लीला है, तो है। और वो अब हमें आगे पता चलेगा कि क्या रावण वाकई भगवान शिव जी को लेकर जा रहा है या कोई इसमें वाकई ही कोई लीला खेली जा रही है। लेकिन भगवान शिव जी मतलब के ब्रह्मपुत्रों के साथ भी तो गए थे, देखा रह सके थे, आखिर उनको वो हो गया था ना एहसास। लेकिन बातें सारी यार ना, लेकिन अब ये चीजें तो आगे देखेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो बाय।